सब्सक्राइब टू खबर अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नेवर मिस एनी न्यूज। नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप खबर अपडेट देख रहे हैं। चांद पर भारत की दूसरी महत्वाकांक्षी योजना चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण हो गया है। श्रीहरिकोटा से सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV मार्क 3 चंद्रयान को लेकर पृथ्वी की कक्षा में पहुंच चुका है। भारत की इस कामयाबी के बाद पूरी दुनिया की ओर से भारत के लिए बधाइयों का तांता लगा हुआ है। वहीं दुनिया भर की मीडिया भी भारत के इस सबसे महत्वपूर्ण मिशन की कामयाबी पर इसे कवर करने में जुटा रहा। दुनिया भर की मीडिया ने चंद्रयान की लॉन्चिंग को कवरेज तो दी और साथ ही इसकी कामयाबी पर अपने विचार भी रखे हैं और अपने नजरिए से इसे देखा भी है। बात अमेरिकन मीडिया की सबसे पहले करें तो अमेरिकन मीडिया की कवरेज में इसे अच्छा कवरेज मिला और चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग को कवर करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी वेबसाइट पर इसके बारे में लिखा, आखिरी मिनट में पहले प्रयास के रद्द होने के बाद एक हफ्ते बाद चंद्रयान 2 मिशन को सोमवार 2:43 पर लॉन्च कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा कि इस मिशन से भारत को ये मिशन भारत का बड़ा सपना है और इससे कई कामयाबी मिल सकती है। चीनी मीडिया की बात करें तो उसने वहां के जो सरकारी मीडिया एजेंसी है सिन्हुआ, उसने इसके बारे में लिखते हुए बताया है कि भारत ने सोमवार को अपने मून मिशन 2 यानी चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण किया। 15 जुलाई को तकनीकी खराबी के कारण इसे निरस्त कर दिया गया था। करीब 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर से इस मिशन को पूरा किया गया है और ये भी कहा गया है कि इसका लक्ष्य चांद की सतह पर पानी, खनिज और रॉक संरचनाओं के बारे में डेटा इकट्ठा करना है। चीन से अलग ब्रिटिश मीडिया ने चंद्रयान 2 को दिए अपने कवरेज में इसे भारत की बड़ी उम्मीद बताया। BBC की वेबसाइट पर चंद्रयान 2 को कवरेज मिली और लॉन्चिंग के बारे में लिखा गया है कि चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष स्टेशन से सोमवार को स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2:43 पर लॉन्च किया गया। भारत को उम्मीद है कि उसका यह मिशन दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन होगा। रशियन मीडिया चंद्रयान 2 के बारे में अच्छा कवरेज करते हुए दिखी और वहां की RT न्यूज ने इसके बारे में अच्छा कवरेज किया है और अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले एक तकनीकी गड़बड़ी के चलते जिस प्रोजेक्ट को रोक दिया था उसी चंद्रयान मिशन को अब सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने के लिए सेट किया गया था। उम्मीद है कि इससे कई खोज सामने आएगी। बात पाकिस्तानी मीडिया की करते हैं, भारत की उपलब्धि हो और पाकिस्तानी मीडिया का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट डॉन ने लिखा है कि जैसे ही दोपहर 2:43 पर रॉकेट का सफल लॉन्च किया गया, कंट्रोल सेंटर में वैज्ञानिकों की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। डॉन ने आगे यह भी लिखा कि यदि भारत का यान चंद्रमा पर लैंड कर जाता है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बनेगा। वहीं पाकिस्तानी TV मीडिया की अगर बात करें तो उन्होंने इस पर बहस भी की, इसे दिखाया भी और साथ में अपने देश को ही पोछते हुए दिखाई दी। खबर अपडेट की रिपोर्ट।